इस स्वादिष्ट स्नैक्स को आप पार्टीज में बनाइए और खाइए और इसका आनंद उठाइए। नमस्ते दोस्तों, अनीता जैन रेसिपी में आपका स्वागत है। मैं अनीता जैन आज नए तरह का ब्रेड का स्नैक्स बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिए ब्रेड 100 ग्राम पनीर से ग्रेट कर लिया है, एक आलू उबला हुआ इसे भी ग्रेट कर लिया है, आधी चम्मच लाल मिर्ची, आधी चम्मच सौंफ, आधा चम्मच नमक, 1/4 चम्मच गरम मसाला, हरी मिर्ची और हरा धनिया और एक चम्मच मैदा और पानी। अब सबसे पहले मैदा में पानी डाल देंगे और इसकी सिलेरी तैयार करेंगे। सबसे पहले ब्रेड के किनारे अठाएंगे। मैं कैंची से अठा रही हूँ, आप चाकू से भी अठा सकते हो। इसी तरह सभी ब्रेड के किनारे अठा लेंगे। ये हमने ब्रेड के किनारे अठा लिए हैं, अब हम इसकी स्टेपिंग तैयार करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले बाउल में पनीर डाल देंगे, आलू, लाल मिर्ची, सौंफ, नमक, गरम मसाला, धनिया और हरी मिर्ची और इसे मिक्स कर लेंगे। ये हमने मिक्स कर लिया है, अब सबसे पहले हम ब्रेड को बेलेंगे। ये हमने बेल लिए, अब उसमें एक चम्मच स्टफिंग डाल देंगे। और जो हमने मैदा की सिलेरी बनाई है वो इस पे लगा देंगे। और इसे हम रोल कर देंगे और इसको हम चिपका देंगे इस तरह से, और इसी तरह सभी बना लेंगे। ये हमने सभी ब्रेड रोल तैयार कर लिए हैं और बेकिंग ट्रे पर रख दिए हैं। अब इस पर हम ऑयल की ग्रीसिंग करेंगे। और इसे हम 180 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिनट के लिए बेक करेंगे। ये हमारे बेक ब्रेड पनीर रोल बनके तैयार हो गए हैं। मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिए और आने वाले सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।